नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, ये बारामुंडा का जो ब्रांड है बूमचूम, इसके बारे में बूमचूम्स, इसके बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप मान लीजिए इस तरीके का ब्रांड या कंपनी आप खुद का बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या सिस्टम होता है और कंपनी को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के साथ ही दिखाएंगे। ये जो कंपनी है देखिए, ये ब्रांडेड कंपनी है आपका, रूपा का ये कंपनी है, रूपा मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड, आपको दिख जाएगा रूपा का इसमें लोगो भी आपको दिख जाएगा, नाम भी दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। अब ये जो कंपनी है रूपा की कंपनी है और ये कोलकाता की कंपनी है और कोलकाता में इन लोगों का मान लीजिए अपना मैन्युफैक्चर बाई रूपा एंड कंपनी लिमिटेड और इसका कोलकाता वन में ऑफिस है मेम सरनी। अब ये लोग जो है क्या करते हैं, ये लोग मैक्सिमम जो है ये इस चीज़ का जो है आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है कि जैसे ये कंपनी, ये जो ब्रांड है मान लीजिए ये कंपनी रूपा का है और ब्रांड इनका है बूमचूम ब्रांड। अब इन्होंने ये ब्रांड अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है मगर ये जो कंपनी का एड्रेस है ये कोलकाता का है और ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी इनके कंपनी का है यानी कोलकाता का है मगर इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है एड्रेस आपका तिरपुर यानी तमिलनाडु कोयम्बटूर के पास तिरपुर है, वहाँ पे बहुत बड़ा हब है अभी फ़िलहाल में आप मान लीजिए तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का, गारमेंट का जितना भी आप मैन्युफैक्चरिंग देखिएगा तो तिरपुर से ही आता है। अब तिरपुर में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो देखिए 387/4 तिरपुर तमिलनाडु 641603, ठीक है, यहाँ पर इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ब्रांड रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, कोलकाता का है। यानी अगर आप भी चाहें तो अगर आप इस तरह का कंपनी या कोई भी कंपनी बनाना चाहें जिसमें आप अपने प्रोडक्ट का आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप कोलकाता में हैं और आपको मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में सस्ता मिल रहा है, या आप दिल्ली में हैं आपको कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग सस्ता मिल रहा है, तो आप कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। बस उसका एड्रेस आपको देना पड़ेगा कि कहाँ से आपने मैन्युफैक्चरिंग कराया है और कौन है उसका मैन्युफैक्चरर, वो सब जब आप GST वगैरह फाइल कीजिएगा तो उसमें आपको दिखाना पड़ता है। इसके साथ ही इन्होंने का कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन ISO 9001:2015 भी है, देखिए ISO 9001:2015 इनका है। इसके साथ ही देखिए ये रहा आपको दिख रहा होगा ISO है 9015 है, ISO 9014000 है, ट्रेडमार्क है प्लस कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ESIPF है और ये ब्रांड का रजिस्ट्रेशन है। तो ये गारमेंट का जो भी अगर आप काम करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरीके से अपना कंपनी बनाएं, इस तरीके से अपना ब्रांड बनाएं और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर जो है जैसे कि आपका ऐसे जगह में तिरपुर जैसे जगह में ऐसे जगहों पे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके अपना ब्रांड बनवाएं और ब्रांड बनवा के फिर मार्केट में अपना मार्केटिंग करें, रिटेल में बेचें, शॉपिंग मॉल में बेचें या जैसा भी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट में बेचें, तो ये संभव है। इसमें तरीका यही होता है, आप कंपनी बनाइए, ब्रांड अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और ऐसे किसी मैन्युफैक्चरर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, से कांटेक्ट कीजिए जो आपको ये सारा प्रोसेस मतलब आपको जो प्रोडक्ट है आपका, जैसे ये बारामुंडा के लिए ये फेमस है, ये ब्रांड बारामुंडा बनाता है तो बारामुंडा बनाना है तो आप वहाँ से बनवाइए, उनसे अपना सैंपल लीजिए, उनका एग्रीमेंट कीजिए कि क्या क्वांटिटी वो देंगे, क्या सामान आपको देंगे, उसका क्वांटिटी क्या रहेगा, उसका क्वालिटी क्या रहेगा, उसका पैरामीटर चेक कीजिए और आसानी से आप काम कर सकते हैं। इससे सुविधा क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए कि अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरर करते हैं तो आपको अपने यहाँ पे लेबर लगाना पड़ेगा, अपने यहाँ पे जगह देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, लाइट देना पड़ेगा, उसके बाद से लेबर का मान लीजिए आ जाए या कल नहीं आया, एक पूरा मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा, एक आदमी रखना पड़ेगा लेबर को फिर काम करवाने के लिए, तो ये सब प्रोसेस में आपका कॉस्टिंग आएगा, आपका दिमाग मान लीजिए उसमें लगा रहेगा और लेबर वाले काम में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना ही रहता है। इसलिए देखिएगा इस तरीके का जो सोल्यूशन है आजकल चलता है कि अगर आप लेबर के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं फिर भी अपना ब्रांड निकालना चाहते हैं तो ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेस्ट होता है। और ये तरीके से ही मान लीजिए लेबर का हेडेक उनका, आप तो उनको पैसा दीजिएगा, रेट फिक्स कीजिएगा, वो आपको सामान बना के देंगे, आप काम कर देंगे। अभी जो गारमेंट इंडिया में जो काम हो रहा है यानी इंडिया में जो जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे जितने भी प्रोडक्ट ब्रांडेड बन रहे हैं, आप देखिए या नोएडा में बन रहे हैं या फिर आपका कोलकाता में बन रहा है या फिर आपका ये तिरपुर में बन रहा है, अब ऐसे जगह से बनने से क्या है, लेबर उनको सस्ता मिलता है, जो बना रहे हैं उनको भी बेचने का हेडेक नहीं कि कहाँ ले जाके बेचें क्योंकि पहले से ही कॉन्टैक्ट किया हुआ है, और आपका क्या है आपको सिर्फ बेचने आना चाहिए, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका ऑनलाइन सिस्टम, आपका जो मैनेजमेंट है मार्केटिंग का वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए
ताकि ब्रांड जब आप लॉन्च करें तो आपका सामान बिकना चालू हो और लगभग हर एक दुकान तक पहुंचे जो भी एरिया में आप टारगेट करना चाहते हैं। अगर ये प्रोसेस आपका ठीक है तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का, गारमेंट का, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जितना भी लाइसेंस का काम हमने बताया वो सारा काम हम लोग करवाते हैं, प्लस लोन का भी काम करवाते हैं। आप दिल्ली या कहीं कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर किसी भी एरिया में रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक जगह हमारा आदमी है, कहीं का भी हो ये काम आपका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।